नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के खास पेशकश CGPSC मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन छत्तीसगढ़ का पार्ट है प्रागैतिहासिक काल से लेकर गुप्त काल तक उसके क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेनेशन की चर्चा की थी। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उस पर हम छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय राजवंश है और कलचूरी वंश है उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेनेशन हम डील करेंगे। ये जो पूरा वीडियो लेक्चर होगा ये इसी पे केंद्रित होगा, क्षेत्रीय राजवंश और कलचूरी वंश के जो भी क्वेश्चन है 24 फरवरी को डिस्कशन कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म में जो आपके समक्ष रखा गया था उसके आंसर एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पे आऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 28 फरवरी को कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा CGPSC मेंस गाइडेंस प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और ये जो प्रोग्राम है ये आप सभी प्रतिभागियों के लिए है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन FTR मेगा टेस्ट सीरीज में जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें भी पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमरारी कुल के राज्यकाल की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का और हमें 30 वर्ड्स में लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन में एक शब्द आया है अमरारी कुल, तो सबसे पहले आप लोग को ये बताना होगा कि ये जो अमरारी कुल है किस वंश के शासकों को कहा जाता था, किस वंश के शासक जो थे वो अमरारी कुल के अंतर्गत आते थे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो व्यागराज का कॉपर प्लेट है उसमें सरपपुरी वंश के शासकों को अमरार्य कुल का बताया गया है, मतलब कि ये जो शासक थे ये स्वयं को अमरज कुल का या अमरार्य कुल का कहते थे। ठीक है, उसके बाद आप इनके प्रशासनिक व्यवस्था पे आएंगे। तो इनके प्रशासनिक यूनिट्स ऐसी थी कि राज्य जो था वो बहुत सारे संभागों में बटा हुआ था जिसे राष्ट्र कहा जाता था और ये जो राष्ट्र था ये भोग भुक्ति और आहार में बटा हुआ था। मतलब कि इस राष्ट्र के अंदर बहुत सारी प्रशासनिक यूनिट्स थी भोग भुक्ति और आहार के रूप में और इस भोग और भुक्ति के अंदर बहुत सारे नगर उपनगर और ग्राम आया करते थे। लेकिन इनकी संख्या का कोई पता नहीं चला है कि हाँ, लेकिन इतना है कि इस प्रशासनिक यूनिट के अंतर्गत नगर उपनगर और ग्राम आया करते थे। जो भोग का हेड हुआ करता था उसे भोगपति कहा करते थे और ये जो भोगपति है इसे पावर था कि ये राजा के अनुमति पर ये ग्राम को दान दे सकता था। ठीक है, तो आप इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार से लिखेंगे कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी। यहाँ के जो शासक थे ये वैष्णव के उपासक थे और व्यागराज के राजमुद्रा को छोड़कर जितने भी नरेश थे उनके राजमुद्रा में लक्ष्मी जी अंकित थी। तो इस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन में 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप इनकी शासन व्यवस्था को इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि जो राजा था वो प्रमुख था लेकिन वो तानाशाह नहीं था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न मात्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ प्रसन्न मात्र। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए 3 लाइन मिलेगा हमें लिखने के लिए और हमें इनकी उपलब्धियों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो प्रसन्न मात्र है ये किस वंश का शासक है। तो प्रारंभ हम यहीं से करेंगे कि प्रसन्न मात्र जो है वो सरपपुरी वंश का एक प्रतापी शासक था। इसके बाद जो भी नरेश हुए उनके जो भी अभिलेख प्राप्त हुए जो भी इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए उसमें जो वंशावली का क्रम जो है वो प्रसन्न मात्र से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हाँ ये प्रतापी शासक था, जबकि इसके पहले भी और नरेश हुए लेकिन हम इसके बाद के नरेशों को देखते हैं तो उनकी वंशावली जो है वो प्रारंभ कहाँ से होती है, प्रसन्न मात्र से प्रारंभ होती है। अब हम इनकी उपलब्धियों पर जाते हैं। तो इनकी पहली उपलब्धि थी कि प्रसन्न मात्र ने लीलागर नदी के तट पर, प्राचीन नाम क्या है लीलागर का, निडिला, ठीक है, इसके तट पर अपने नाम पर प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की थी जो कि वर्तमान में मल्हार नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी उपलब्धि कि इसने बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। यदि कोई राजा जो है वो सोने या चांदी के सिक्के प्रचलित करता है, जारी करता है, मतलब कि ये उसके वैभव समृद्धि को शो कर रहा है और ये जो प्रसन्न मात्र है इसके जो सोने और चांदी के सिक्के थे ये पूर्व में कटक से लेकर जो पश्चिम में चांदा तक का एरिया है वहाँ तक विस्तृत था। 116 सिक्कों से ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं इस एरिया से और इस सिक्कों की खास बात ये थी कि इस सिक्के के सेंटर में गरुड़, लेफ्ट साइड में शंख, राइट साइड में चक्र
और नीचे प्रसन्न मात्र अंकित था। ठीक है, जो प्रसन्न मात्र है इसने बहुत सारे सिक्के जारी किए थे जो कि इसकी समृद्धि को शो करता है, इसके वैभव समृद्धि को शो करता है। और जो सिक्के हैं वो कटक से लेके चांदा तक 116 सिक्कों से ज़्यादा सिक्के इस एरिया में प्राप्त हुए हैं इसके। और इसकी तीसरी उपलब्धि ये थी, इसने अपने सिक्कों पे शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से 30 शब्दों में आप इतना आंसर लिख सकते हैं। इसकी उपलब्धियों के बारे में आप क्या क्या लिखेंगे कि ये जो बहुत प्रतापी शासक था, इसने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसने प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की थी। आई थिंक इतना कंटेंट सफिशियंट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडुवंशीय शासकों के मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ पांडु डायनेस्टी रूलर्स। तो देखिए यहाँ पर मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन करने के लिए कहा गया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा केंद्रित होना है मंदिर स्थापत्य कला में। ना ही आपको पांडुवंशी शासकों की जानकारी देना है, ना ही उसके धार्मिक पक्ष को आपको रिलेट करना है, और ना ही उसके राजनीतिक पक्ष को रिलेट करना है। आपको क्या बताना है, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बताना है। ठीक है, मैं आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बार बार कह रही हूँ कि आप हमारे साथ डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, डिस्कशन कम्युनिटी जुड़िए, वहाँ पर आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप उसके आंसर जो हैं लिखकर वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो कितना बेहतर है। मेंस राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, मेंस के आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस होगी इससे आपकी, और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इसकी हेल्प से। तो आप वहाँ जाकर डिस्कशन कम्युनिटी में जाकर हमसे जुड़िए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टार्ट कैसे होगा, पहले आपको बताना पड़ेगा कि पांडु वंशियों का जो मंदिर स्थापत्य कला था वो कैसा था। तो देखिए ईंटों के मंदिरों का जो निर्माण काल है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक चला, और ये वही समय है जब पांडुवंशी शासक जो है वो दक्षिण कौशल में राज्य कर रहे थे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पांडुवंशियों के शासनकाल में जो भी मंदिरों का निर्माण कराया गया वो ईंटों के मंदिर थे। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि इस वंश के जो शासक थे उन्होंने ईंटों के मंदिरों का निर्माण कराया। इस ईंटों के मंदिरों की खास बात ये थी, इसका जो भूविन्यास हुआ करता था उसमें गर्भगृह, अंतराल और स्तंभों पर टिका हुआ मंडप हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी वो सामान्यतः रूप से ईंटों के मंदिरों में दिखाई देती थी। अब हम बात करेंगे कि इस वंश के जो भी शासक थे उन्होंने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया। तो इस वंश का जो संस्थापक था इंद्रबल, उसके बेटे ईशान देव ने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को लखनेश्वर मंदिर या लाखाचौर मंदिर भी कहते हैं, ये मूलतः शिव मंदिर है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ईशान देव ने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद जो भी शासक हुए पांडुवंश के वो राज्य विस्तार में लगे हुए थे, उन्होंने ऐसे कोई बहुत ही स्पेशल कोई मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। धीरे धीरे आते आते फिर हर्षगुप्त जो है वो शासक बना। जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी वास्ता देवी ने अपनी पति की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया। ये जो मंदिर है वो उत्तर गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य कला का और भारतीय शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय पांडुवंशियों का जो मंदिर स्थापत्य कला था वो चरम सीमा पर था जब इस लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया। ये जो लक्ष्मण मंदिर है इसका जो निर्माण कार्य है ये प्रारंभ तो वास्ता देवी ने किया था, लेकिन इसे कंप्लीट किसने करवाया था, उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालाजू ने करवाया था। 6वीं शताब्दी की बात है। इस समय यहाँ पर सिरपुर का जो एरिया था यहाँ पर पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालाजुन का शासन था, उसके शासनकाल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये मूलतः विष्णु मंदिर है। लाल ईंटों से बना हुआ ये जो मंदिर है इसका जो बाह्य हिस्सा है, बाहरी जो दीवार है उसमें ईंटों को तराश कर बहुत सारे अलंकरण किए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अद्वितीय से प्रतीत होते हैं। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर कि जो पांडुवंशीय शासक है उनकी मंदिर स्थापत्य कला कैसी थी और किन किन शासकों ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया। आप यहाँ पर एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी पांडुवंशीय शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इसके विपरीत जो महाशिवगुप्त बालाजुन था वो शैव फॉलोवर था। मतलब कि जितने भी शासक थे वो खुद को परम भागवत कहा करते थे, लेकिन जो महाशिवगुप्त बालाजुन था वो खुद को परम महेश्वर कहता था। तो इस प्रकार से 60 वर्ड्स पे इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं शताब्दी में दक्षिण कौशल की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी दीजिए। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस एंड सोशल स्टेटस ऑफ दक्षिण कौशल इन द 7th सेंचुरी। तो देखिए, 7th सेंचुरी की बात चल रही है। इस समय दक्षिण कौशल के एरिया में किस वंश का शासक था, आप प्रारंभ अपने क्वेश्चन का यहाँ से करेंगे। तो इस समय किस वंश का शासक था, देखिए ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में लिखना है आपको, मतलब कि बहुत ही कम स्पेस मिलने वाला है आपको लिखने के लिए, और आपको बहुत सारी बातों को लिखना है, तो आपको कोशिश करना होगा कि कम से कम शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन वे में आप इस आंसर को कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि दक्षिण कौशल के एरिया में 7वीं शताब्दी में पांडुवंशी महाशिवगुप्त बालार्जुन शासक का शासन था, इसका शासनकाल था वो कब से कब तक था, 595 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी तक था। ठीक, अब आपने बता दिया है कि दक्षिण कौशल के एरिया में कौन शासन कर रहा है, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन कर रहे हैं। उसके बाद आप आएंगे यहाँ की जो भी धार्मिक और सामाजिक स्थिति है उस पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, ये शैव फॉलोवर था, ये शिव का उपासक था, स्टिल यहाँ पर ये खुद को परम महेश्वर कहता था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति ये सहिष्णुता का भाव रखता था, और इसके लिए इसने क्या किया था कि सिरपुर में, सिरपुर इनकी राजधानी थी है ना, तो सिरपुर में और जो आसपास के स्थान थे वहाँ पर जितने भी धर्म थे, जैन बौद्ध वैष्णव के फॉलोवर जो थे या फिर शैव के फॉलोवर्स थे, इन सभी के लिए इसने क्या किया था, मंदिरों का निर्माण कराया था। फलस्वरूप ये हुआ कि चूंकि सभी धर्म के लोगों के लिए इसने क्या की थी, व्यवस्था की थी, उनके धार्मिक जो भाव है उसे ध्यान में रखा था, जिसकी वजह से ये हुआ कि सभी धर्मों के लोग जो थे वो पारस्परिक सौहार्द और सहिष्णुता के साथ एक साथ रहा करते थे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर धार्मिक पक्ष आया और उससे क्या हुआ, रिजल्ट जो सामाजिक पक्ष का जो रिजल्ट हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये जो सिरपुर था उस समय बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित था, जो भी यहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 100 संघाराम थे जहाँ पर 1000 बौद्ध भिक्षुक जो है वो निवास किया करते थे। सिरपुर की महिमा इतने दूर दूर तक फैली हुई थी कि यहाँ पर जितने भी धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबियों की बात करें या फिर अन्य धर्मावलंबी की बात करें, उनका तांता हमेशा यहाँ पर लगा हुआ रहता था। तो धार्मिक पक्षों को आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, जो शासक है, वो शैव फॉलोवर है, लेकिन सभी धर्मों के प्रति वो सहिष्णुता का भाव रखता है, सभी धर्मों को ध्यान में रखकर उसने यहाँ पर बहुत सारे निर्माण, मंदिर निर्माण के कार्य किए हैं, सभी धर्मों के लिए उसने मंदिर निर्माण कराया था, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहा करते हैं, चारों वर्णों के लोग यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहा करते हैं, ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है, ब्राह्मणों को जो भी पुण्य तिथियाँ होती थी या चंद्र ग्रहण का अवसर होता था तो उन्हें ग्राम दान में दिया जाता था। तो इस प्रकार से इसकी सामाजिक स्थिति को आप पैरेलली बताएंगे और धार्मिक स्थिति को भी पैरेलली बताएंगे। आप ये भी बताएंगे कि उस समय ये जो सिरपुर था ये तंत्र साधना का केंद्र भी हुआ करता था। महाशिवगुप्त के केवल सिरपुर से ही 27 ताम्रपत्र कॉपर प्लेट जो है वो जारी किए गए थे। इससे ये समझ में आ रहा है कि कितना वैभवशाली था इसका जो शासनकाल था, बहुत ही लंबा शासनकाल था। एक्चुअली हुआ गया था कि इसके पिछले के जितने भी शासक थे ना, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, तो उसको सुदृढ़ करने का कार्य जो है वो किसने किया था, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया था। और इसलिए भी ये जो पांडुवंशियों का ये जो शासनकाल था, महाशिवगुप्त का जो शासनकाल था, उसे पांडुवंशियों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आप अपने आंसर में बिल्कुल इंक्लूड कीजिएगा। महाशिवगुप्त ने बहुत सारे विद्वानों को आश्रय दिया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, धार्मिक पक्ष और सामाजिक पक्ष को पैरेलली लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप धार्मिक पक्ष की बात करेंगे तो उससे जोड़ के उसके सामाजिक रिजल्ट को बताइएगा, और इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध केंद्र के रूप में सिरपुर स्थापित था, यहाँ पर सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का भाव वो रखता था, इसके शासनकाल में वेंगसांग आया था। तो ये सारी बातों की चर्चा आप कीजिएगा अपने आंसर में, इन सबको रखिएगा, और कैसे आप कम शब्दों में इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इसे भी आप देखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, कलचूरियों के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रीजन फॉर द फॉल ऑफ कलचूरीज। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कलचूरियों के पतन के बारे में बताना है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर फॉर्म करेंगे तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को ये पता है कि कलचूरियों का पतन जो है हुआ जब, तो उसकी घटना कैसी थी,
जब यह आक्रमण हुआ तो उसके परिणाम कैसे थे, कलचूरियों के कौन कौन से शासक थे, इन्होंने कब कब शासन किया, उसको सब कुछ पता है। वो बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके पतन का कारण क्या है। तो जब भी आप अपने आंसर को लिखेंगे तो केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, पतन के कारण होना चाहिए, ना कि और आगे पीछे की कोई भी बात। ठीक, तो पहले आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 100 शब्दों में लिखना है। आपको इसे 100 शब्दों में लिखना है तो आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा यदि आप इसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें। पॉइंट्स में भी कैसा कि आप सब हेडिंग लिखें और उसे विस्तार करें। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पतन के कारण पूछा गया है, लेकिन जब तक हम घटना नहीं बताएंगे तब तक पतन के कारण कैसे बताएंगे। तो आपके जो पतन के कारण होंगे ना, आप अपने आंसर को ऐसे फॉर्म करें कि घटना जो है वो भी उसमें समाहित हो जाए। ठीक है, तो आइए आज का आंसर कैसा होना चाहिए उसके प्रमुख बिंदुओं को ध्यान देते हैं। तो देखिए, ये जो आंसर है इसके 4 सब पॉइंट्स हो सकते हैं, 4 सब हेडिंग्स हो सकते हैं, और इस 4 सब हेडिंग्स में आप एक्सप्लेन वे में इसके पतन के कारणों को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट होना चाहिए छत्तीसगढ़ का उड़ीसा बंगाल मार्ग पर पड़ना। उस समय क्या हुआ था, देखिए 1741 ईस्वी के आसपास की बात है, 1741 ईस्वी की बात है ये। उस समय उड़ीसा का जो गवर्नर था वो मीर हबीब था, और बंगाल का जो नवाब था वो अली वर्दी खां था। इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। तो उड़ीसा का जो गवर्नर था मीर हबीब, उसने रघुजी प्रथम को बंगाल के नवाब अली वर्दी खां पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। रघुजी प्रथम ने अपने सेनापति भास्कर पंत को इस युद्ध अभियान में भेजा। चूँकि छत्तीसगढ़ जो था वो बंगाल उड़ीसा मार्ग पर पड़ता था, तो जब यहाँ से भास्कर पंत अपनी सेना के साथ गुजर रहा था तो उसने देखा कि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर कोई बहुत प्रतापी शासक नहीं राज्य कर रहा है, यहाँ की सेना जो है वो भी सुदृढ़ नहीं है। तो इस प्रकार से उसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो यही था कि अगर छत्तीसगढ़ जो है वो उड़ीसा बंगाल मार्ग पर नहीं होता तो ये युद्ध ही नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि जो कलचूरी है वो मराठों के अधीन आते ही नहीं। ठीक, तो पहला कारण क्या था कि छत्तीसगढ़ का उड़ीसा बंगाल मार्ग पर पड़ना। अब हम दूसरे कारण पे आते हैं, कमज़ोर परवर्ती शासक। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो कलचूरी वंश है ये 1000 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, 1000 ईस्वी से आते 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 18वीं शताब्दी तक, ये 18वीं शताब्दी का समय है 1741 ईस्वी, इस समय तक जो भी शासक थे ना वो अयोग्य, कमज़ोर और निष्क्रिय हो चुके थे। इवन उस समय 1741 ईस्वी में रघुनाथ सिंह जो रतनपुर में राजा था, जो शासन कर रहा था, वो 68 वर्ष की आयु का था, दुर्बल हो चुका था वो, और उसकी दुर्बलता के कारण वो अपनी सेना पर नियंत्रण भी खो चुका था। तो दुर्बल शासक की वजह से और कोई भी सुदृढ़ सेना नहीं होने के कारण क्या हुआ कि भास्कर पंत ने जब यहाँ पर आक्रमण किया, जब यहाँ पर धाबा बोला, तो रघुनाथ सिंह जो था, जो कि निष्क्रिय हो चुका था, उसे राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी जो सेना थी वो भी, उस पर भी वो नियंत्रण खो चुका था। और जब उसने परिस्थिति को देखा तो युद्ध के बिना ही उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, तो इसका दूसरा कारण क्या था कि कमज़ोर परवर्ती शासक, मतलब कि जो भी कलचूरी के बाद के शासक हुए कलचूरी वंश के, वो कमज़ोर हो चुके थे, अयोग्य हो चुके थे, निष्क्रिय हो चुके थे। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि कलचूरियों में एकता का अभाव। जैसा कि आप लोग को पता है कि 14वीं शताब्दी के आते आते तक ये जो कलचूरी वंश है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो चुका था, एक तो रतनपुर के कलचूरी और दूसरा रायपुर के कलचूरी। 1741 ईस्वी के आते आते ऐसा हुआ कि ये जो दोनों राज परिवार थे, जो अलग अलग शाखाओं में विभाजित थे, इनके बीच फूट आ चुकी थी। और जब ये युद्ध होने वाला था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब मराठों ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो यहाँ के ज़मींदारों ने भी राजा का साथ नहीं दिया, जो रायपुर शाखा का शासक था उसने भी रघुनाथ सिंह का साथ नहीं दिया, और जितने भी लोग थे वो भी, उनमें भी कोई एकता का बहुत ज़्यादा भाव नहीं था। यहाँ की जो सेना थी वो भी कैसी थी, निष्क्रिय थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनमें, कलचूरियों में एकता का अभाव था, ये भी एक कारण था। अगर इनमें एकता का भाव होता, अगर ये चाहते तो युद्ध कर सकते थे, जीतना हारना तो बाद की बात थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि असंगठित सेना। देखिए, इनके पास सेना तो थी, लेकिन ना ही ये सुसंगठित थी और ना ही ये सुदृढ़ थी। ठीक,
और इनकी सेना इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा इनके नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि ये भास्कर पंत की सेना के सामने टिक पाते। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर इनकी सेना जो है वो सुदृढ़ होती, अगर इनकी सेना जो थी वो प्रभावी होती, एनर्जेटिक होती, तो हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट रघुनाथ सिंह लड़ता तो, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये जो चार पॉइंट्स हैं आपके क्वेश्चन के आंसर में होने चाहिए, और आप यहाँ पर तर्क लगाएंगे कि क्यों ये जो कलचूरी वंश है ये इसका पतन हो गया, क्या क्या कारण थे इसके पतन के, आप यहाँ पर तर्क लगा के आलोचनात्मक वे में यहाँ पर क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं इसके इससे रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रही हूँ उसे तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, लेकिन जब हम पूरे सिलेबस की बात करते हैं तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे डिटेल वे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पर पूरे हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी पूरा सिलेबस है उसको बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाया गया है, आपके लिए हेल्पफुल होगा CGPSC मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमारे मोबाइल कोर्स को भी देख सकते हैं, वहाँ पर जो भी टॉपिक्स है उसे डिटेल वे में पढ़ाया गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाजलदेव प्रथम कलचूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन जाजलदेव फर्स्ट वॉस द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कलचूरी डायनेस्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु ये है कि जाजलदेव प्रथम जो था वो सबसे शक्तिशाली शासक था, आपको इसे स्पष्ट करना है। ठीक है, तो हम इसका स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और 100 शब्दों में लिखना है, तो कोशिश करना कि आप लोग इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखें, ताकि आप बहुत सारे पॉइंट्स को लिख के जो भी बहुत सारी प्रमुख बिंदुएं हैं उसे क्या कर सकें, अपने आंसर में समाहित कर सकें। ठीक है, तो इसका स्टार्ट आप ऐसे करेंगे कि जाजल्लादेव प्रथम जो है वो पृथ्वीदेव प्रथम और राजल्ला देवी का पुत्र था। इसका जो शासनकाल था वो 1090 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक था। कहीं कहीं पर किताबों में 1095 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक भी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी जो की किताब है जो उसमें ये टाइमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि जाजल्लादेव प्रथम जो था वो कैसा व्यक्ति था, शक्तिशाली था ना, तो आप इसकी विशेषताओं पे आएंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, पाली और रतनपुर के अभिलेख से मिलती है। पाली और रतनपुर के जो इंस्क्रिप्शंस है वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। जो जाजल्लादेव प्रथम था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, वो जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है वो राज्य विस्तार को उसने ठान लिया था, वो राज्य विस्तार करता है। और रतनपुर के अभिलेख से पता चलता है कि उसने आंध्र, खिमड़ी, लजिका, भाड़ार मतलब कि भांडार, तलहारी, नंदावली, वैरागर, दंडकपुर, कुक्कुट, सुवर्णपुर, इन सभी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, यहाँ के शासकों को युद्ध में पराजित किया था और उन्हें अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के बाहर के एरिया हैं, लाइक MP में जो बालाघाट का एरिया है, उड़ीसा की बात करें तो सुवर्णपुर, बंगाल का जो एरिया है यहाँ पर भी, और आंध्र प्रदेश, इन सभी एरिया में मतलब कि छत्तीसगढ़ के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल और नीचे आंध्र प्रदेश, इन सभी एरिया में उसने आक्रमण किया था और इनके शासकों को अपने अधीन कर लिया था। ये यहाँ के शासकों से भारी मात्रा में कर वसूला करता था, इससे इसके शासनकाल के आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, मतलब कि समृद्ध पूर्ण रहा होगा इसका जो राज्यकाल है वो। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने क्या किया था, जो बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासक था सोमेश्वर देव, उससे बदला लेने के लिए उस पर आक्रमण किया था। क्या हुआ था कि जो सोमेश्वर देव है वो दक्षिण कौशल पर आक्रमण करता है इससे पहले, और दक्षिण कौशल के बहुत सारे एरिया को वो क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। तो जाजल्लादेव प्रथम ने बदला लेने के लिए सोमेश्वर देव पर आक्रमण करता है, उसकी राजधानी को तहस नहस कर देता है, जला देता है, और उसे उसके मंत्री और रानियों के साथ क्या कर लेता है, कैद कर लेती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जाजल्लादेव की माँ के अनुरोध पर वो सोमेश्वर देव को बाद में छोड़ देता है। इसके जो भी विजय अभियान थे उसमें इसका जो मंत्री था जगपाल, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी आप इस पॉइंट को लिखिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जाजल्लादेव प्रथम जब वो राजा बनता है, वो राजगद्दी पर बैठता है, तो सबसे पहले वो अपने राज्य का विस्तार करता है। तो जब वो अपने राज्य का विस्तार कर लेता है तो मौका देखते ही वो क्या करता है कि चूँकि दक्षिण कौशल में राज्य करने वाले जितने भी शासक थे, चाहे हम कलिंग राज की बात करें, हम कमल राज की बात करें, पृथ्वीदेव प्रथम की बात करें, रत्नदेव प्रथम की बात करें या जाजल्लादेव प्रथम की बात करें, ये जितने भी शासक थे
थे वो त्रिपुरी के शासकों के अधीन रहकर यहाँ पर कार्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो जब जाजलदेव ये देखता है कि मेरे राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तो वो क्या करता है कि अवसर देखते ही त्रिपुरी की अधीनता वो अस्वीकार कर देता है, वो त्रिपुरी से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। और इसे प्रदर्शित करने के लिए वो बहुत सारे सोने और तांबे के सिक्के जारी करता है। जो उसके सोने के सिक्के होते हैं उसके अग्रभाग पर श्रीमद जाजलदेव और उसके पृष्ठभाग पर गज शार्दुल अंकित करवाता है। चूँकि ये जो गंग शासक थे उन पर ये आक्रमण किया होता है, वहाँ पर भी ये जीत हासिल किया होता है, तो उसके प्रतीक के रूप में ये गज शार्दुल जो है पीछे पृष्ठभाग पर सिक्के के अंकित करवाता है। और जो उसके तांबे के सिक्के होते हैं उस पर ये क्या लिखवाता है, श्री हनुमान जी अंकित होते हैं उसके तांबे के सिक्के में। ये जो हनुमान जी है ये चंदेल शासकों के जो सिक्के होते थे उनमें भी अंकित हुआ करते थे, तो वैसा ही ये क्या करता है अपने तांबे के सिक्कों में हनुमान जी अंकित करवाता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि अपने राज्य का विस्तार करता है, इवन ये अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक करता है, छत्तीसगढ़ के बाउंड्री के बाहर तक करता है। जो बस्तर क्षेत्र में शासक सोमेश्वर देव राज कर रहा है उसे भी वो पराजित करता है युद्ध में। जितने भी शासक होते हैं उसे अपने अधीन करता है और उसे भारी मात्रा में कर वसूल करता है। आर्थिक स्थिति यहाँ पर समझ में आ रही है कि इसकी आर्थिक स्थिति जो है इसके शासनकाल की समृद्ध रही होगी। उसके बाद मैंने ये बताया कि इसने त्रिपुरी के राजाओं से स्वतंत्रता घोषित कर ली थी और उसे प्रदर्शित करने के लिए इसने बहुत सारे सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। अब हम इसकी स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो जाजलदेव ने अपने नाम पर जाजल नगरी जो है वो बसाया था, इस नगर की स्थापना की थी जो कि वर्तमान में जांजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। इस जांजगीर क्षेत्र में उसने आम्रवन, सरोवर, मठ इन सब का निर्माण करवाया और वहाँ पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया जिसे नक्टा मंदिर कहा जाता है। इसका जो शीर्ष का पार्ट है वो जो है इनकम्प्लीट रह गया था, इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं, नक्टा मंदिर कहते हैं। तो इसने निर्माण कार्य भी करवाया है। इसने जो पाली का शिव मंदिर है जिसे बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहाँ की दीवारों पर आप अभी भी जाके देखेंगे तो क्या लिखा है, श्रीमद् जाजल देवस्य कीर्ति लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने मंदिर निर्माण का भी कार्य करवाया था। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो जाजलदेव प्रथम है वो किस प्रकार से बाकी शासकों से अलग था और वो सबसे शक्तिशाली शासक क्यों था। ठीक है, तो 100 शब्दों में आपको लिखना है तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं 100 शब्दों में, आई थिंक सफिशिएंट है 100 शब्द जाजलदेव प्रथम के बारे में लिखने के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कौशल में कलचूरियों के आगमन से यहाँ की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, वॉट चेंजेस ऑकर इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन हियर विद द अराइवल ऑफ द कल्चूरिस इन साउथ कोसल। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 175 वर्ड्स में लिखना है, मतलब कि भरपूर स्पेस है आपके पास लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब कलचूरी यहाँ पर आए तो उससे पहले यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी और जब ये यहाँ आए तो उसके बाद कैसी हो गई, परिवर्तन की बात कर रहा है ये। डिस्कशन कम्युनिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके आंसर लिखे हैं और जो आंसर लिखे हैं उस पर मैंने देखा कि जो भी आंसर है वो कलचूरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर फोकस्ड है, लेकिन आपको सिर्फ कलचूरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं बताना है, आपको परिवर्तन क्या हुए इसके बारे में बताना है। लेकिन हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप परिवर्तन को तो बताएं, लेकिन आपका जो भार होगा वो किस में होगा, कलचूरीकालीन शासन व्यवस्था पर होगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि कलचूरीकालीन जो शासक थे उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से शासन किया, बहुत ही लंबी अवधि तक इन्होंने शासन किया। जब ये यहाँ पर आए तो जो स्टार्टिंग का दौर था, आरंभिक समय था, उस समय इनकी जो मुख्य शाखा थी त्रिपुरी की, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसके अनुरूप ही ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। उनकी शासन व्यवस्था त्रिपुरी की शासन व्यवस्था के अनुरूप थी, लेकिन जब जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को चलाई। तो पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि रेफरेंस
ये जो भी आप जानकारी लिखने वाले हैं इसका रेफरेंस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 16वीं शताब्दी में जो रतनपुर का कलचुरी शासक था कल्याण साहब, उसने एक राजस्व पुस्तिका तैयार की थी जमाबंदी प्रणाली के आधार पर जो बनाया गया था। इस पे कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था की, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की, जो राजस्व वसूली का जो पूरा पैटर्न था उसकी सब पर्याप्त मात्रा में जानकारी मिलती है। ठीक, अब हम आते हैं मुद्दे पे कि हमको क्या बताना है कि परिवर्तन क्या क्या हुए। तो पहले क्या था, जब कलचुरी वंश आए उससे पहले क्या था कि यहाँ पर दक्षिण कौशल का जो एरिया है यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो है शासक जो है वो राज्य कर रहे थे। उस समय जो दक्षिण कौशल की शासन व्यवस्था थी वो विकेंद्रीकृत थी, डिसेंट्रलाइज थी, मतलब कि अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा जो है वो शासन कर रहे थे, कोई एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं था। लेकिन जब कलचुरी वंश यहाँ पर आया, जब उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और पूरे दक्षिण कौशल के एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पर ऐसा था कि राजा एक था, सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था थी, मतलब कि एक सुदृढ़ केंद्रीकृत व्यवस्था थी, आप ये कह सकते हैं। इस पूरे एरिया में एक राजा हुआ करता था और वो अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद रखा हुआ था, बहुत सारे अधिकारीगण रखे हुए थे उसने, और अन्य प्रशासनिक पदों पर उसने यहाँ के स्थानीय लोगों को नियुक्त किया था, जो कि यहाँ के लोकल लोग थे, जो यहाँ की भावनाओं से जुड़े हुए थे उनको उसने नियुक्त किया था। ठीक है, तो पहला परिवर्तन क्या हुआ कि इससे पहले क्या था, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, लेकिन जब कलचुरीज आए तो यहाँ पर सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हुई। अब हम बताएंगे कि कलचुरीकालीन जो शासन व्यवस्था थी वो सुदृढ़ कैसी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक राजा हुआ करता था, वो अपनी सहायता के लिए मंत्री अधिकारीगण और अन्य प्रशासनिक पदों पर यहाँ के लोकल लोगों को क्या करता था, नियुक्त करता था। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि जो इसके मंत्रीगण थे उसे अमात्य मंडल कहा जाता था। इसके मंत्री परिषद में ये जितने भी लोग हैं, मंत्री हैं, ये हुआ करते थे युवराज, महामंत्री, महामंत्री जो था वो राजा का प्रमुख सलाहकार हुआ करता था, महा अमात्य, महासंधि विग्राहक राजा का विदेश मंत्री हुआ करता था, महापुरोहित ये धार्मिक विभाग का प्रमुख हुआ करता था, महाप्रतिहार राजा का अंगरक्षक हुआ करता था, ये पूरे टाइम राजा के साथ हुआ करता था, और ये संचार विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मतलब कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आया तो पहले वो महाप्रतिहार से मिलता था, जो भी सूचना वो लेकर आया है महाप्रतिहार जो है वो राजा को देता था, और उसके बाद राजा जो है निर्णय लेते थे कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति से राजा को मिलना है कि नहीं मिलना है। महाप्रभात्री, ये जमाबंदी प्रणाली, ये जमाबंदी विभाग का प्रमुख था। तो इस प्रकार से इनका मंत्री परिषद था जिसे अमात्य मंडल कहा जाता है। फिर आप उनके अधिकारीगण के बारे में बताएंगे कि महाअध्यक्ष था जो कि सचिवालय का प्रमुख था, महासेनापति जो सेना विभाग का प्रमुख था, दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का प्रमुख था, महाकुटसाल जो किले की रक्षा करने वाला अधिकारी हुआ करता, दांडिक मतलब कि न्याय विभाग का प्रमुख, दुष्ट साधक जो चोर को पकड़ने वाला था, धर्मलेखी जो दान पत्र का जो लेखा जोखा होता था उसका रिकॉर्ड ये रखता था। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रशासनिक पद थे, जैसे कि जो यातायात का प्रमुख हुआ करता था उसे गमागमी कहते थे, नगर का जो प्रमुख हुआ करता था उसे पूर्व प्रधान कहते थे। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे अधिकारीगण थे। आपको ये बताना पड़ेगा जो पूरा राज्य है वो अलग अलग प्रशासनिक यूनिट में बटा हुआ था, बोल सकते हैं हायरार्की पैटर्न पे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, और हर जगह पे अलग अलग हेड हुआ करता था। जो राष्ट्र था वो संभाग के रूप में हम देख सकते हैं, राष्ट्र जो था वो उसके नीचे की जो इकाई थी वो विषय थी, उसे हम वर्तमान में जिले के रूप में देख सकते हैं। राष्ट्र का हेड राजा हुआ करता था, विषय का विषयपति, उसके अंडर में देश हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे। इसका जो हेड हुआ करता था वो महामंडलेश्वर हुआ करता था, मंडल का हेड मांडलिक हुआ करता था, और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरे एरिया को गढ़ों में विभाजित किया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका थी उसको आधार मानकर यहाँ के जो पहले अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी चिश्म थे, उन्होंने इस पूरे एरिया को, दक्षिण कौशल के एरिया को 36 गढ़ों में विभाजित किया था। जो 36 गढ़ थे वो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे जो कि रतनपुर शाखा के अंतर्गत आते थे, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ आया करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को गढ़ों में विभाजित किया गया था। ये गढ़ जो थे बरहों में विभाजित थे, और बरहों जो थे वो ग्राम में विभाजित थे। ग्राम जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी, इसके हेड को गौटिया कहा जाता था। 12 गांव मिलकर
बरहो का निर्माण करते थे, ठीक है, इसलिए इसे बरहो कहा जाता था। बरहो का जो अधिकारी था वो दाऊ था या तालुकाधिपति था, जो सात बरहो मिलकर गढ़ का निर्माण करते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं 84 गांव का समूह गढ़ कहलाता था, इसका अधिकारी था दीवान, और इसके ऊपर जो बैठा हुआ था वो मंडल था, और इसके ऊपर जो बैठा हुआ था वो मांडलिक था, ठीक है, मंडल के हेड को मांडलिक कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपको ये बताना पड़ेगा कि हायरार्की पैटर्न में यहाँ पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि जो कलचुरीकालीन शासक थे, उससे पहले जो यहाँ पर शासक हुए, लाइक पांडु वंश है, सरुपुरु शासक है, राज ऋषि तुल्य कुल वंश है, तो ये जितने भी वंश हुए और इनके जो शासक हुए, फणिनागवंशी शासक, तो जितने भी शासक हुए ना, इन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य किया। और क्या करते थे, जैसे कि पांडुवंशी शासकों की हम बात करें, तो महाशिव गुप्त ने क्या किया कि जितने भी धर्म के लोग थे यहाँ पर, उन सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग अलग स्थानों पर उसने क्या किया था, मंदिर का निर्माण कराया था, जिससे वहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे उनकी धार्मिक भावनाओं को उसने सम्मान दिया था, जिससे क्या हुआ कि प्रशासन करने में उसे आसानी हुई। लेकिन जब हम कलचुरी वंश को देखते हैं तो इसने अपने राज्य विस्तार को फोकस किया, यहाँ के जितने भी शासक थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो राज्य विस्तार को दिया, यहाँ के जितने भी शासक थे उन्होंने राज्य का विस्तार किया, जितने भी दक्षिण कौशल का जो भी एरिया था, छोटे छोटे जो भी शासक थे उसे पराजित किया, उसे अपने अधीन किया, वहाँ से वो कर वसूला करते थे। इस प्रकार से जो वैभव और समृद्धि की बात किया जा सकता है, जो केंद्रीकृत व्यवस्था की बात की जा सकती है, वो कलचुरी शासनकाल में हमको देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पांडु वंशियों का शासन था यहाँ पर, जब सरपुरी वंश का शासन था, तो यहाँ पर क्या था कि बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जैसे कि हम देखते हैं सर्वाधिकारीकृत के रूप में इंद्रबल जो था वो सरपुरी वंश के जो सुदेव राज है उसके शासनकाल में वो एक मंत्री हुआ करता था, ठीक है। तो बड़े बड़े अधिकारियों को रखा जाता था, सिक्कों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, ये अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, सिक्कों का प्रचलन होता था। लेकिन जब हम कलचुरी काल में देखते तो सिक्कों का प्रचलन तो था, लेकिन मेन फोकस जो था वो रूल करने पे किया गया था, यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी, हर एक छोटे छोटे एरिया में अलग अलग अधिकारी गढ़ थे और वो अपने एरिया को क्या करते थे, रूल करते थे, और यही आगे चलकर हमको जमींदारी व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था थी, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत पावरफुल था। पंचकुल नामक संस्था थी कलचुरी काल में, जहाँ पर जो सदस्य हुआ करते थे, 5 या 10 सदस्य हुआ करते थे, ये जो सदस्य हुआ करते थे वो आम लोगों के द्वारा चुने जाते थे, इन सदस्यों को महत्तर कहा जाता था और इसके हेड को महत्तम कहा जाता था। तो इस प्रकार से एक स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे, चाहे गांव की बात करें चाहे नगर की बात करें, यहाँ पर एक स्थानीय व्यवस्था थी जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ करता था। ये संस्था का काम क्या था, न्याय दिलाने का काम था, कर एकत्रित करने का काम था। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको दिखता है। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंस बताना है कि इनके कलचुरियों के आगमन से पहले इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी और उनके आगमन के बाद इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ये आपको डिफरेंस बताना है। और इस प्रकार से आप अलग अलग पॉइंट्स को लेकर आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। देखिए, दो ही बातों का आपको ध्यान में रखना है, आपको परिवर्तन बताना है, इसका मतलब ये है कि पहले की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर भी आपको जाना है, और दूसरा ये कि कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था थी, इसका भार आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। डिस्कशन कम्युनिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे हैं, जिनमें से मैं कुछ स्टूडेंट का नाम देना चाहूँगी। इन स्टूडेंट्स ने बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा है, आकांक्षा पांडे के जो भी आंसर्स थे वो बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखे गए हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त ऐश्वर्य पांडे, सौरभ मालेवर, प्राची केशरवानी, रविकांत कश्यप, रामलाल, इनके आंसर भी बहुत ही अच्छे हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इनके आंसर्स देखें और देखें कि कहाँ कमी हो रही है और कैसे अपने आंसर को आप बेहतर कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगी कि वो डिस्कशन कम्युनिटी में जाकर हमसे जुड़े, अपने आंसर को वहाँ पर अपलोड करें और अपने आंसर की क्वालिटी को चेक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।